अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। आज मैं आपके साथ एक गर्मियों में खाने वाली बहुत ही अच्छी और बहुत जल्दी बनने वाली डिश आपको बताने जा रही हूँ। आम और कच्चे कैरी की चटनी बहुत जल्दी बनती है, पेट के लिए काफी ठंडक भी पहुँचाती है। तो चलिए किचन चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनती है। उससे पहले मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूंगी कि यदि आप मेरे चैनल पर अभी अभी आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर देती हूँ और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज 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 इसे ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसे देख सके और ट्राई कर सके। तो चलिए किचन में चलते हैं, बताते हैं हम पुदीने की चटनी। देखिए गर्मियों में खाने वाली ये आम और पुदीने की चटनी को आप देख सकते हैं, किसी भी चीज के साथ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ठंडी होती है और गर्मियों में किसी भी चीज के साथ खाइए तो इसका मजा ही कुछ और होता है। तो ये चटनी आप भी बनाना चाहते हैं ना तो चलिए मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, मैं इसकी रेसिपी आपको बता रही हूँ, एंड तक जरूर देखिएगा मेरी वीडियो को, बहुत ही जल्दी बनती है। तो देखिए आम पुदीने की चटपटी खट्टी मीठी गर्मियों में बहुत ही हेल्दी चटनी की इंग्रीडियंट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही जल्दी बनती है। तो एक कप हमने पुदीना का पत्ता अच्छी तरह से तोड़कर उसे वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं। सिर्फ पुदीने के पत्ते हमें लगेंगे, डंठल नहीं डालनी है। तीन हरी मिर्च और ये पांच कली लहसुन के लिए हमने तीन इस छोटे साइज के मैंगो लिए हैं। ये हमारे बागान की आम है, इसे मैं छोटा छोटा टुकड़े में काट लूंगी, आपको दिखाने के लिए मैंने रखा था कि इस साइज के आम हमने लिए। 1 टीस्पून हमने शुगर लिया है, चीनी, और 1 टीस्पून नमक, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी ये मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए आम को छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और इसे मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। तो देखिए आम को हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर ली है। तो मिक्सर जार में पहले मैं आम को डाल दूंगी। जार में मैंने आम को डाल दिया छोटे टुकड़ों में कट करके। लहसुन की कलियां हमारी बड़ी बड़ी थी, इसे हमने दो भागों में कट कर ली है। हरी मिर्च को भी हमने दो भागों में कट कर लिया है। तो चलिए इसमें मैं डाल देती हूँ ये नमक 1 टीस्पून, चीनी, और इसे पहले ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें पुदीने के पत्ते डालकर ग्राइंड करेंगे। तो देखिए आम, लहसुन और हरी मिर्च को हमने इस तरह से ग्राइंड कर लिया, अभी पूरी तरह से ग्राइंड नहीं हुई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पुदीने के पत्ते। और फिर से हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए इस तरह से हमने ग्राइंड कर ली है, आप देख सकते हैं इतना हमें ग्राइंड करना है। बिल्कुल दरदरी सी बहुत ही अच्छी चटनी बनकर रेडी हो गई है। चलिए इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए ये सर्विंग बाउल में हमने इसे निकाल लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी ये मस्टर्ड ऑयल 1 बड़े चम्मच। इसे आप नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। बहुत ही चटपटी और बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। आप इसे सैंडविच, पकौड़े, किसी भी चीज के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसे मिक्स कर देते हैं। तो देखिए ये कच्चे कैरी और पुदीने की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गर्मियों में खाने वाली बनकर रेडी हो गई है और इसे बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट का समय लगा है। तो इसे आप ट्राई जरूर कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।